हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज शिवा गुप्ता। आज जो हम देखने वाले हैं रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट के बारे में देखने वाले हैं। फ्रेंड्स, ये चैप्टर हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इस पे ही पूरी हमारी अकाउंट बेस होती है, चाहे 11th की हो, 12th की हो या बीकॉम वगैरह किसी की भी हो। ठीक है, तो इसकी इंपॉर्टेंस आप समझ सकते हो कि इसी के बेसिस पे हम पूरी अकाउंटिंग करते हैं। और ये 11th में चैप्टर है। अगर कभी इंटरव्यू के लिए जाओगे आप अकाउंटिंग वगैरह की, ठीक है, तो अकाउंटिंग वगैरह के इंटरव्यू के लिए जाओगे तो आपसे यही पूछा जाएगा कि क्या होता है रूल्स ऑफ डेबिट क्रेडिट या क्या होता है गोल्डन रूल ऑफ अकाउंटिंग। तो चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं गोल्डन रूल ऑफ अकाउंटिंग से। आओ देखते हैं। तो मैंने यहां पे लिखा हुआ है क्या, रूल्स ऑफ डेबिट और क्रेडिट, या ऐसे बोल सकते हैं क्या, और गोल्डन रूल ऑफ अकाउंटिंग। कि गोल्डन रूल क्या होते हैं हमारे अकाउंटिंग के, या फिर क्या बेटा, अकाउंटिंग अप्रोच, अप्रोच बोले तो मेथड। तो ये देखो, नाम अलग अलग है, तीनों चीजें एक है। जैसे होता है ना भाई, एक बच्चे के दो नाम होते हैं, बच्चा तो सेम है ना, नाम बेशक क्या है अलग अलग, सेम चीज बेटा कि नाम क्या है अलग अलग। चाहो तो रूल्स ऑफ डेबिट क्रेडिट, रूल मतलब क्या होता है नियम, कैसे कोई चीज डेबिट साइड में जाती है, कैसे कोई चीज क्रेडिट साइड में जाती है। तुम्हें पता है ना क्या, मैं लिखवा देता हूं यहां पे नोट, अकाउंट लेफ्ट हैंड साइड इज नोन एज, कौन साइड, डेबिट साइड, अकाउंट राइट हैंड साइड इज नोन एज क्रेडिट साइड। मतलब बेटा मैंने क्या लिखा, ये मैंने लिखा किसी भी अकाउंट की लेफ्ट हैंड साइड क्या होती है बेटा, डेबिट साइड होती है, और किसी भी अकाउंट की राइट हैंड साइड क्या होती है बेटा, क्रेडिट साइड होती है। अब कैसे मैडम बोल देती है इसे लेफ्ट हैंड साइड में लिख दो, बोले तो डेबिट साइड में लिख दो, और कैसे मैम बोल रही है इसे राइट हैंड साइड में लिख दो, भाई कैसे। ठीक है, तो यही हम देखने वाले हैं। क्या देखने वाले हैं, रूल बोले तो क्या, नियम किसके, डेबिट एंड क्रेडिट के, और बोले तो क्या, गोल्डन रूल ऑफ अकाउंटिंग के, या फिर अकाउंटिंग मेथड, मतलब अकाउंटिंग कैसे करके की जाती है बेटा। अगर बात करें तो दो रूल होते हैं हमारे अकाउंटिंग करने के। एक तो पुराने जमाने में जो होता था, बोले तो क्या, ट्रेडिशनल अप्रोच बेटा। ठीक है, कि पुराने जमाने की अप्रोच बोले तो क्या, ट्रेडिशनल अप्रोच। दूसरा जो होता है बेटा, आज के जमाने के तुम लोग हो ना, तो कौन सी अप्रोच होगी भाई, मॉडर्न अप्रोच। ठीक है बेटा, तो ट्रेडिशनल पुराने जमाने की एक क्या है बेटा, मॉडर्न बोले तो आज के जमाने की अप्रोच, दैट इज अ मॉडर्न अप्रोच। और इसका दूसरा नाम होता है, क्या होता है बेटा, अमेरिकन अप्रोच। ठीक है बेटा, और इसका दूसरा नाम क्या होता है बेटा, इंग्लिश अप्रोच। अब कभी कभी क्या होता है, हमारे कंफ्यूजन क्रिएट होता है। अभी तो याद रहेगा तुम्हारे को कि हाँ सर, आपने बताया मॉडर्न वाला क्या है, अमेरिकन है। ठीक है, और भी याद रहेगा ट्रेडिशनल वाला क्या बेटा, इंग्लिश है। लेकिन बाद में क्या हो जाएगा, हम भूल जाएंगे कि मॉडर्न वाला अमेरिकन था या फिर क्या, इंग्लिश था। तो इसको याद करने का मैंने एक तरीका देखा था, तो आप चाहो तो वैसे ही याद कर सकते हो जैसे मैंने याद करा है, एम पी एम के थ्रू। ए रेफर्स टू अमेरिकन, एम रेफर्स टू मॉडर्न। मतलब क्या बेटा, अमेरिकन वाला मॉडर्न है, ए एम पी एम से याद रहेगा, ए बोले तो अमेरिकन, एम बोले तो मॉडर्न। ठीक है, और इसको याद करने का तरीका है बेटा, एक न्यूज़पेपर आता है इकोनॉमिक टाइम्स, ठीक है, ई रेफर्स टू इंग्लिश, टी रेफर्स टू ट्रेडिशनल। मतलब क्या, इंग्लिश वाला ट्रेडिशनल है बेटा। ठीक है, तो इकोनॉमिक टाइम्स न्यूज़पेपर है जो हमारा, ई रेफर्स टू इंग्लिश, टी रेफर्स टू ट्रेडिशनल। क्लियर है बेटा, ठीक है, चलो आगे चलते हैं। आगे चलते हैं भाई, क्या बोलता है मॉडर्न अप्रोच, बोलती है क्या, बोलती है बेटा, देखो सारी अकाउंटिंग जो करने वाले हैं हम मॉडर्न अप्रोच से करने वाले हैं। एक तो मॉडर्न लोग हो ना, कौन सा फॉलो करोगे बेटा, मॉडर्न अप्रोच फॉलो करोगे भाई। हमें नहीं फॉलो करना ट्रेडिशनल अप्रोच, क्लास टीचर जो है ट्रेडिशनल अप्रोच से करा रही होगी, लेकिन हमें फॉलो नहीं करना। ठीक है, उसमें कुछ गलतियां से दिखाई देती हैं ट्रेडिशनल अप्रोच में। वो मैडम बोले कि डेबिट कम्स इन, क्रेडिट गोज आउट, तुम ढूंढते रहोगे क्या आ रहा है क्या जा रहा है। भाई हमें मॉडर्न अप्रोच फॉलो करनी है, सिंपल। मॉडर्न अप्रोच बोलती है पूरे अकाउंट को कितने पार्ट में बांट दो, पांच पार्ट में बांट दो बेटा,
पांच पार्ट कौन कौन से होते हैं? पहला होता है क्या बेटा हमारा? एसेट्स। दूसरा होता है हमारा क्या? एक्सपेंस। तीसरा होता है बेटा हमारा क्या? एसेट का उल्टा क्या होता है बेटा? लायबिलिटीज। चौथा होता है हमारा क्या? इनकम। पांचवा होता है हमारा क्या बेटा? तो मॉडर्न अप्रोच ने बोला पूरे अकाउंट को पांच भागों में बांट दो। पांच भाग कौन कौन से बनाए? पहला एसेट और एक्सपेंस। देखो पांच भाग में भी मैंने दो पार्ट को अलग रखा, तीन पार्ट को अलग रखा। एसेट एक्सपेंस को अलग लिखा, लायबिलिटी इनकम और कैपिटल को अलग लिखा। ठीक है बेटा, ऐसा किसने बोला? मॉडर्न अप्रोच ने बोला पांच पार्ट में इसको कर दो, डिस्ट्रीब्यूट कर दो, बोले तो बांट दो। ठीक है बेटा, क्लियर है? ठीक है सर, ये सब तो समझ में आ गया, लेकिन पहले ये तो बताओ एसेट क्या होती है। पहली लड़ाई तो सही है ना कि भाई एसेट क्या होती है। देखो एसेट मैं बता देता हूं वन बाय वन, जिसको वर्ड्स क्लियर नहीं है एक बार बता देता हूं। एसेट मतलब होता है बेटा हमारी क्या? प्रॉपर्टी। तुम्हारी नहीं, बिजनेस की जो प्रॉपर्टी होंगी उसे क्या बोलेंगे बेटा? एसेट्स बोलते हैं। एसेट मतलब क्या? प्रॉपर्टी ऑफ ए बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। प्रॉपर्टी किसकी बेटा? बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन की प्रॉपर्टी को हम क्या बोलेंगे? एसेट बोलने वाले हैं। समझ में आ गया भाई? तुम्हारे पास भी प्रॉपर्टीज होंगी नहीं होंगी? तुम्हारा बैग, तुम्हारा पैन। और पापा के पास प्रॉपर्टी क्या है? पापा का प्लॉट, पापा की कार, पापा की बाइक। ठीक है, ये सब उनकी क्या है? प्रॉपर्टीज है। एक्सपेंस मतलब जानते हो ना, बोलते हो ना भाई आज मैंने गोलगप्पे में इतना एक्सपेंस करा, समोसे में इतना एक्सपेंस करा। एक्सपेंस मतलब सिंपल बेटा हमारा क्या? खर्चे। क्या हो गया? खर्चे। ठीक है, स्पेलिंग हो सकता है गलत। लायबिलिटीज मतलब सिंपल क्या बेटा? किसके खर्चे? हमेशा जो पॉइंट ऑफ व्यू रहेगा कंपनी, कंपनी के खर्चे। और लायबिलिटी मतलब क्या? उधार। किसका उधार बेटा? कंपनी का उधार, कंपनी का उधार। ठीक है, जो उधार कंपनी ने ले रखा है। के इनकम मतलब क्या बेटा? जो पैसा कमा रही है कंपनी। कहां से कमाएगी? दो चीजें से, माल को बेचकर या फिर सर्विस प्रोवाइड करके। कैपिटल मतलब क्या? जो पैसा इन्वेस्ट करा, किस चीज में इन्वेस्ट करा? बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए जो खर्च करा वो क्या होता है बेटा? मेरा कैपिटल कहलाता है। पता ही नहीं पता तुम्हारा कैपिटल क्या होता है? वो पैसा जो बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए खर्च किया जा रहा है वो हमारा क्या बेटा? कैपिटल। क्लियर है? ठीक है सर, आपने बोला मॉडर्न अप्रोच के हिसाब से हम पांच पार्ट में अपने पूरे अकाउंट को बांट लेंगे। पूरे अकाउंटिंग को बांट लिया, कौन कौन से पांच पार्ट? एसेट और एक्सपेंस को अलग लिखा, लायबिलिटी इनकम और कैपिटल को अलग लिखा। एक चीज याद रखना, ट्रायल बैलेंस वाला चैप्टर। कौन सा वाला? ट्रायल बैलेंस, लेजर वाला चैप्टर, जर्नल एंट्री। ऐसे बहुत सारे चैप्टर हम सिर्फ इसी से ही करने वाले हैं, सिर्फ इसी से, इस पांच चीजों से ही। समझ रहे हो कितनी ज्यादा इंपॉर्टेंस है इसकी? किसकी? मॉडर्न अप्रोच की। मॉडर्न अप्रोच से ही हम फॉलो करेंगे, हम नहीं फॉलो कर रहे ट्रेडिशनल। हम सिर्फ क्या फॉलो करेंगे बेटा? मॉडर्न अप्रोच। समझ में आया? तो बोलते हैं एसेट और एक्सपेंस जो इंक्रीज होंगे, इंक्रीज कहां पे होंगे? डेबिट साइड में इंक्रीज होने वाले हैं। क्या होने वाले हैं? डेबिट साइड में इंक्रीज होने वाले हैं। डिक्रीज होंगे बेटा कहां पे? डिक्रीज होंगे क्रेडिट साइड में। सर आपने ये क्या लिख दिया? एसेट डेबिट साइड में इंक्रीज होंगे, क्रेडिट साइड में डिक्रीज होंगे। फॉर एग्जांपल मान लो ये मार्कर मेरी एसेट्स है, ठीक है, एसेट बढ़ेगी कहां बढ़ेगी? डेबिट साइड में। एक मार्कर था, पांच मार्कर और खरीद के लिए आया। समझ लो एक मार्कर पहले से था, पांच मार्कर और खरीद के लिए आया, मतलब एसेट कम हुई या बढ़ी? सर बढ़ गई भाई, छह मार्कर हो गए सर। ओके बेटा सावास, तुम तो बस होशियार हो। तो छह मार्कर हो गए मतलब एसेट बढ़ रही है, और एसेट बढ़ी है तो कहां पर लिखेंगे? डेबिट साइड में। सर डेबिट साइड क्या होता है बेटा? किसी भी अकाउंट की लेफ्ट हैंड साइड क्या होगी? डेबिट साइड होती है। ठीक है, छह मार्कर थे, दो मार्कर खराब हो गए, मार्कर खराब हो गए तो एसेट क्या हो रही है बेटा? कम हो रही है। सर कम होगी तो कहां पर लिखना चाहिए बेटा? कम होगी तो कहां पर लिखते हैं एसेट? कम होगी तो क्रेडिट साइड में। रेंट क्या होता है? रेंट सर एक्सपेंस होता है। अगर मैं कंपनी का रेंट दे रहा हूं वो क्या मेरा एक्सपेंस है। रेंट का खर्चा पहले जीरो था, अब लैंडलॉर्ड को 10,000 रुपए पे करने पड़े। कितने पे करने पड़े? 10,000 रुपए पे करने पड़े बेटा। रेंट का खर्चा कितना हो गया? जीरो से 10,000। सर बढ़ गया है तो, बढ़ गया तो बेटा कहां बढ़ेगा? डेबिट साइड में।
समझ में आया? तो एसेट और एक्सपेंस डेबिट साइड में बढ़ते हैं, तो जब डेबिट में बढ़े तो जाहिर सी बात है अपोजिट करना तुम्हें बचपन से सिखाया गया है, डेबिट में बढ़े तो कम कहां पे होंगे बेटा, क्रेडिट। समझ में आ गया? ठीक है, अब देखो जब ये एसेट और एक्सपेंस का अपोजिट ये सारी चीजें हैं, ठीक है, एसेट का उल्टा लायबिलिटी, एक्सपेंस का उल्टा इनकम और कैपिटल, तो ये डेबिट में इंक्रीज हो रहा है, तो ये तीनों चीजें कहां पर इंक्रीज होंगी, क्रेडिट साइड में। समझ में आया? लायबिलिटी, जैसे एक बंदे से 10,000 उधार लिए थे, अब उससे 10,000 और उधार ले रहे हैं, तो लायबिलिटीज क्या हो रही है, बढ़ रही है। कितनी होगी बेटा, 10 से 20,000 हो गई, तो लायबिलिटीज बढ़ रही है, तो कहां बढ़ेंगी, क्रेडिट साइड में बढ़ने वाली है। और कम कहां पे होंगी बेटा, डेबिट साइड में क्या होने वाली है, कम होने वाली है। समझ में आ गया? अगली क्लास में क्या होगा बेटा, पहले तो हम ट्रेडिशनल अप्रोच देखेंगे, ठीक है, और फिर एक लिस्ट देखेंगे क्या क्या चीजें एसेट्स होती हैं, मतलब 20-30 आइटम्स देखेंगे लिस्ट में, प्रॉपर उनके बारे में डिस्कस करेंगे और देखेंगे बेटा क्या कि एसेट्स कौन कौन सी हैं, ठीक है, एसेट को पहचानना सीखेंगे, लायबिलिटी को पहचानना सीखेंगे, एक्सपेंस को पहचानना सीखेंगे, इनकम को पहचानना सीखेंगे, कैपिटल को पहचानना सीखेंगे। ठीक है बेटा, समझ में आया? इन पांचों के मतलब तुम्हें क्लियर होने चाहिए, ठीक है। अकाउंटिंग अगर रूल्स ऑफ डेबिट क्रेडिट की बात करें तो दो भागों में बांटा गया है, एक ट्रेडिशनल एक मॉडर्न, ठीक है, ट्रेडिशनल मतलब पुराने जमाने का, वो हम नेक्स्ट क्लास में देखने वाले हैं। मॉडर्न अप्रोच सारा कुछ किससे करना है, हमारे को मॉडर्न अप्रोच फॉलो करके करना है, इसी वजह से मैंने मॉडर्न अप्रोच को बता दिया। मॉडर्न अप्रोच का दूसरा नाम क्या है, अमेरिकन अप्रोच, याद करने का तरीका बताया, AMPM के थ्रू, ए रेफर्स टू अमेरिकन, एम बोले तो मॉडर्न, ये बोलता है पूरे अकाउंट को पांच भागों में बांट दो, और एसेट कहां बढ़ेंगे बेटा, डेबिट साइड में, एक्सपेंस कहां बढ़ेंगे डेबिट साइड में, कम कहां पे होंगे क्रेडिट साइड में, और लायबिलिटीज कहां बढ़ेंगी क्रेडिट साइड में, इनकम कहां बढ़ेगी क्रेडिट साइड में, और कैपिटल भी कहां बढ़ेगा क्रेडिट साइड में, ठीक है। इसी चीज को ना हम अप्लाई करके बहुत सारी चीजें करने वाले हैं, जैसे बताया ट्रायल बैलेंस, लेजर और जर्नल एंट्री, और आगे चल के हम देखने वाले हैं इसी से ही बनेगा भाई, क्या बनने वाला है तुम्हारा टी सेफ अकाउंट, जो कौन से नंबर में, चैप्टर नंबर 6, कौन सा बेटा, कौन सा चैप्टर है, चैप्टर नंबर 6 है, ठीक है, रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट, ठीक है। दूसरी वीडियो देखना मत भूलना बेटा, वो भी इंपॉर्टेंट है हमारी, ठीक है, और उसी से पता चलेगा तुम्हें कैसे अकाउंटिंग हो रही है, और इसको रिवाइज करना मत भूलना, इसे याद करना मत भूलना भाई, इसी से ही तुम्हारा सब कुछ होने वाला है, ठीक है, तो कितना इंपॉर्टेंट समझ लो, ठीक है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बेटा, और जैसे मैं वीडियो डालता हूं, नेक्स्ट वीडियो भी एक दो दिन के अंदर आ जाएगी, जैसे मैं वीडियो डालता हूं वीडियो जरूर देखो, पूरी देखो और तरीके से देखो, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू।